feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. तो भाई कहाँ जाने की तैयारी है? भाई हम जा रहे हैं सरप्राइज जगह पे, पैकिंग चल रही है कहीं, न्यू ब्लॉग बनाने के बहुत टाइम हो गया यहाँ पे इनके साथ स्पेंड करके। अब सोचा कि हाँ भाई थोड़ा टाइम ट्रैवल किया जाए। इसको भी भाई ये यहाँ पे परेशान हो चुका है बहुत, इसको भी ये पक गया है यहाँ पे, तो इसको भी बोला है कि मेरे को घूमना मांगता अपन को। भाई पूरी पैकिंग वैकिंग के साथ है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ भाई क्या ख्याल है? भाई ख्याल कुछ नहीं है, महादेव के चरणों में जा रहे हैं। हाँ भाई और क्या बोलना चाहोगे? तो भाई हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे सन्नी भाई यहाँ पे हैं अकेले, चलो तुम भी हमारे साथ। चल यार सन्नी चल। अरे भाई बस यार आप ही घूमो यार, अपन बस दूसरी दुनिया में मस्त है। इसका ये है ना, इसके नेक्स्ट मंथ से ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो अब पता नहीं कब लेटर आ जाए, कब इसे जाना पड़ जाए। तो भाई हमारा हुक्का है। हुक्का है? हाँ ये हमारे सोफे हैं। अच्छा ये हमारी एलईडी है, और ये हमारा भाई है, और ये पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, हो रही है। तो भाई हो अब हो गए हैं जाने के लिए रेडी, अब देखते हैं ट्रैवल कैसा रहता है। पहले मुझे ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश से फिर 5:30 बजे की बस है आपकी ओली के लिए, तो मिलते हैं आपको आगे, देखते हैं कैसा ट्रैवल होता है। बैग ये वाला फिलहाल नहीं ले जा रहा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, छोटा बैग पैक कराया है। जितना भी आइटम होगा देखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सामान मेरे से कैरी नहीं हो पाता, और ऊपर से 2 जगह चेंज करनी पड़ेगी, तो भाई बिल्कुल नहीं, इसलिए एक ही बैग ले जा रहा हूँ स्मॉल साइज का। तो भाइयों निकल, गजब बेइज्जती है। तो निकलते हैं अब यहाँ से, मिलते हैं जल्दी ही आपको नई जगह पे नई लोगों के साथ। हमें जाना है कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट है लास्ट स्टॉप। तो भैयो जर्नी तो होगी स्टार्ट, अब ये खाली ट्रैवल की बनेगी भाई, अब इसमें कुछ एंटरटेन वगैरह तो है नहीं, बाकी वहाँ जाके देखते हैं यहाँ का कैसा होता है। जीतू वगैरह आने की कह रहा था, लेकिन दुकान पे भी कोई चाहिए सिवा मुंबई गया हुआ है, तो कोई है नहीं ऐसा जो दुकान संभाल सके, इसलिए अकेला जाना पड़ रहा है। कोई नहीं नेक्स्ट मंथ जाएंगे। तो यार पहुंच तो गए कश्मीरी गेट, अब यहाँ से है 7 नंबर, 7 नंबर के उस साइड को है, वो है आपका, ये तो 8 नंबर आ गया। हे भगवान कंफ्यूजन, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अच्छा 8 नंबर है, सॉरी। चलो फाइनली सही आ गए, सही जगह आ गए, अब जाते हैं, अब देखते हैं बस कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी। बहुत टाइम बाद मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब ये लगा लो जब फर्स्ट कोरोना ख़त्म हुआ था ना, उसके बाद आज कर रहा हूँ मैं ट्रैवल इस चीज़ में। यार ये मास्क बार बार अलझ रहा है, हमारे पलवल साइड में तो मास्क का तो कोई सीन है नहीं। तो भाई बस तो मिल गई है, और ये कह रहे 5 बजे, 5 घंटे में हरिद्वार छोड़ेगी, हरिद्वार से ये कह रहे दूसरे बस में बिठा देंगे। अब देखो कैसा रहता है ट्रैवल, टाइम हमारे पास बहुत बच गया, मैं तो नहीं सोच रहा कि सुबह जल्दी पहुंच जाऊं, टाइम से तो वही बहुत है, लेकिन कोई नहीं, भैया कह रहे टाइम पे पहुंचा देंगे 5 घंटे में वहाँ से 1.5 घंटा भी लगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, भाई टाइम हो रहा है 1:30 बज गए हैं, और हम पहुँच गए हैं आपके ऋषिकेश। अब ओली के लिए यहाँ से बस मिलेगी तुम्हारे 3 बजे के करीब कह रहे हैं, 3 बजे कैब बस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो भाई 1.5 घंटा वेट करना है। देखते हैं कहीं पर कुछ चाय वाय मिल गया तो, बाकी बस अड्डे पे तो सुनसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठंड हो रही है यहाँ पे। ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, कंटिन्यू जो ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं
उनके लिए तो बहुत हार्ड है, हमें तो ऐसे ही लगता है कि हाँ भाई यूँ ही घूम रही है वो, है पूरे दिन रात एक करते हैं वो तो बिल्कुल जग जग के। मुझे ये आज पता लगा जब मैं भी जाग रहा हूँ ना और भाग रहा हूँ, तो मुझे पता पड़ रही है कि कैसे बनते हैं ट्रैवल ब्लॉग। तो देखते रहिए कैसा कैसा होता है मेरे साथ, क्या क्या होता है ट्रैवलिंग ब्लॉग में। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर बाद, तब तक के लिए चाय पी लो। वेलकम बैक, अब हम पहुंच गए हैं तुम्हारे कहाँ है ये कुछ नरकोटा नरकोटा कुछ ऐसी जगह, मुझे तो आइडिया है नहीं इधर का। बाकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब रास्ते में भी नींद आ रही है बिल्कुल ही, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। अभी ये नहीं पता भाई कब तक चलेंगे, क्योंकि वहाँ से लेट हो गए, वहाँ ऋषिकेश में मतलब बस वगैरह तो आई नहीं, दूसरी गाड़ी आई है टाटा सुमो वगैरह चलती है तो वो मिली है, अब उसे उसमें जा रहे हैं हम। स्वागत है आपका अगेन और अगेन एंड अगेन। हम आ गए हैं अमेजोन के जंगलों में, मतलब यार भाई उस साइड में ना वहाँ पे थोड़ी अभी इसमें GoPro में जूम नहीं हो रहा, वरना दिखाता आपको, उस साइड में भाई लैंडस्लाइड हो रही है और खतरों से बच बच के जा रहे हैं, तो बहुत तगड़ा लंबा जाम लग रखा है। अब देखो भाई कितनी देर में खुलता है, लेकिन ये है कि हाँ भाई यहाँ पे टाइम पास सही हो रहा है। जैसे दिल्ली साइड में जाम में फंस जाते हैं तो भाई गाड़ी के अंदर हो, यहाँ तो पहाड़ों के नज़ारे लो, नीचे देखो नदी है ऊपर पहाड़ से बाहर आओ ठंडा सा लग रहा है, तो इस चीज़ का इधर फायदा है। फ़ायदा तो बहुत कुछ है, फ़ायदा ही फायदा हो रहा है, घाटा तो कुछ है ही नहीं। अभी हम रुके हैं फिलहाल एक रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए और पहाड़ों का मज़ा लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर से सफ़र आए हैं इसके लिए, तो यही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा। तो भाई यहाँ पे इन्हों कह रहे परांठे के साथ दाल मिलेगी, अब यहाँ आए हैं तो इनके हिसाब से खाते हैं इधर के स्टाइल में। बाकी तो वैसे तो तेल निकला पड़ा है हमारा, और आगे देखते हैं क्या होता है, कितना तेल और निकालना है हमारा। बाकी कवर तो कर लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, अब थोड़ी सी डिस्टेंस और कवर करना है, उसके बाद सब फिनिश, पहुंच जाएंगे मंजिल पे। तो मिलते हैं आपको परांठों के साथ, तब तक के लिए रुकी रुकी नहीं खाई जा रही थी, दही भी आ गई है, रायता बनाने की कही प्लेन नहीं लिया आया अगला, ऐसा लग रहा मक्खन, तो मक्खन ले आया मक्खन। यार एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, यहाँ के रोड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं यार, बिल्कुल डर लग रहा था जब पहाड़ से एकदम नीचे को देख रहे थे ना, और ऊपर से आपने देखे होंगे रोड कितने ख़राब हो रखे हैं यहाँ पे। तो भाई बी सेफ आना, क्योंकि कभी भी कोई सा भी पत्थर गिर सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, तो अपना आराम से आना, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। लेकिन कहते हैं ना दुर्घटना से देर भरे धीरे चले, तो आराम से आना, क्योंकि स्पीड में चलाओगे तो गाड़ी रिपट सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। एनीवे तो बाकी आओ अपना जर्नी करो, कोई सुनिए पब्लिक तो आई रही है खूब, आप भी आओ। Oh,
पहुंच गए हैं हम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और अब लंबुदी के ले लिया जा रहा मिठाई, और उसके बाद आ जाएंगे ITB। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा टेन। अब तो नहीं हो रही है, जैसे तैसे बस कमरे में पहुंचूं, फटकार के सो जाऊं भाई। ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, बस ऐसा लगे नींद आ जाए। खींच के सोया नहीं हूँ, ना पूरी रात सोया, ना कल दिन में सोया हूँ। मतलब कल सुबह 6 बजे का जगा हूँ, और आज सुबह 6 बज गए, फिर आज शाम के 6 बज गए, और आगे के भी 6 बजेंगे। तो भाई रसमलाई तो मिली नहीं, चॉकलेट ले आए। अब यार मेरे को इधर का आइडिया नहीं है, और जाम लग रहा मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो भैया वगैरह जल्दी लाइए जो कुछ भी लाए। तो हम चॉकलेट ले आए। अब भाई इन्हीं से ही काम चलाओ, बाकी तो कह रहे हैं घर पर पड़ा है सारा, ये पड़ा वो पड़ा है, फिर भी अपनी तरफ से ले जाना होता है, फॉर्मेलिटी ज़रूरी है। तो इसलिए चॉकलेट ले जाना, फिर आगे घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे। यो रात हो गई है और हम पहुंच गए हैं लंबू। ये है आर्मी कैंप। ये रे मारी लंबू, पैर छिले आशीर्वाद, पैर छु प्रॉपर। अब हाथ में धड़े है आशीर्वाद। तो भाई पहुंच ली वहां पे, मेडिकल है ना, अभी चलेंगे छुट्टी होती है अभी यही होते हैं। ठीक चलो मिलते हैं बाद में। ये है हमारे लंबू की, लंबू का ऑफिस, वो बेटे।